कैमरे में कैद ये तस्वीर बताती है कि लहरों पर सवार होकर आई तबाही कितनी ताकतवर है। अब तक मिली खबरों के मुताबिक गोविंद घाट इलाके में ऐसे 6 मकान उफान के शिकार बन चुके हैं। पानी का ये सैलाब सब कुछ अपने साथ बहाता चला जा रहा है। देखिए इस रिहायशी इलाके के बगल से तबाही कैसे निकल रही है। और जो इस साल हुआ ये है, यदि नदियां बौखलाएंगी तो वह इस शताब्दी की भयंकरतम त्रासदी होगी। फिर हम इसे अपनी कारस्तानी स्वीकार करने के बजाय अलकनंदा और गंगा को कोसेंगे। अब वो हुआ पिछले साल 2013 में, ये है 2009 में, 4 साल पहले। आज तो कोई भी लिख सकता है, उसके तथ्यात्मक आधार पर दिया, ऐसा नहीं कि खाली भावनात्मक, क्योंकि हम कोई भी बात लिखते हैं तो अनुभव और वैज्ञानिक दोनों सोच को वो करते हैं। The urban middle class and the western environmental community is probably not as aware of him as they should be. That's because he chooses to maintain a low profile and does not speak in English. The middle class Indians only understand trees. They don't understand people. So Bhatji's voice was about people and trees. It's about development. I think he's a very exemplary kind of activist. He's not someone who simply criticizes but shows alternatives. And of course, the dignity of his personality, the simplicity of his life, all these are very, very appealing. हमारे देश में हम तिरंगे झंडे का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे तिरंगे झंडे के अंदर ब्लू रंग का अशोक चक्र है। ये ब्लू रंग पानी की ताकत को दर्शाता है। पहाड़ों में से झरने बहते रहते हैं। हमारी इकोनॉमी को बदलने के लिए ये ब्लू रिवॉल्यूशन हम कैसे करें, उसे एक शक्ति का स्रोत बना मान करके हम उसको कैसे आगे ले जाएं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपीस, 726 मेगावाट पावर, और वो एक सूत्री कार्यक्रम है, आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके ये प्राकृतिक संपदा का सर्वाधिक उपयोग मानव जात के लिए कैसे हो, ब्लू रिवॉल्यूशन करना है। तो बचपन का जीवन, असल में पहले का जीवन यहाँ का, मुख्य रूप से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था, उसी के साथ अवलंबित थे। यहाँ पर अधिकांश लोगों का जंगलों के ऊपर निर्भरता ज़्यादा थी, चारा, जलावन, जंगली सब्जी, जंगली फल, उस पर ही एक तरफ से स्वावलंबन का मुख्य होता। जंगल जाते थे तो चंद्रा, जगरा, ये सब्जियों के नाम है, तो उसको उबाल करके फिर सब, बल्कि इसी प्रकार जो वॉलनट है ना, अखरोट, जंगली अखरोट, और ये काफल का पेड़ बताया मैंने, किरमोड़, ये सोल, ये बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट, और ये जंगली जानवरों के लिए भी, हमारे लिए भी बहुत उपयोगी। और मैं समझता हूँ कि जंगली जानवर जैसे ये लंगूर इत्यादि बहुत तंदुरुस्त, कई बार ये होता है कि ये इनको खाते हैं, इसलिए वो इतने रिस्ट फुट कहाँ से कहाँ कूद जाते हैं। और इसी प्रकार ये
सातूत कहते हैं, सातूत का नाम आपने सुना होगा? ये वाला नहीं, सातूत नीचे, ये तो आड़ू है, और ये अमरूद है, और ये यहाँ पर ये अखरोट के वो हैं, वालनट जिसको कहते हैं ना, अभी पतझड़ हो रहा है तो ये दिसंबर जनवरी में इस पौध को रोप देंगे। ये यहाँ पर अखरोट, यहाँ पर एक भीमल की नर्सरी है, ये ऊपर जो दिख रही है, तो भीमल ऐसा है कि जिस गाय को भी देंगे तो वो दुधारू होता है, तो यहाँ खेतों में भी भीमल के पेड़। इसमें मछलियाँ भी पल रही हैं, लेकिन लोगों को एक सस्टेनेबल वो करने के लिए, तो उसमें यह है कि जैसे हमारे पास दो गाय हैं, मधुमक्खी के बक्से भी हैं, सिंचाई के लिए तालाब भी है, उसमें मत्स्य पालन भी है, और साग सब्जी का भी धीरे धीरे वो, तो जिससे कि गांव के लोगों को ये विश्वास हो जाए, नहीं तो एक पलायन की भी समस्या है। यहाँ तो ज़्यादातर जो आसपास मिलता होगा गांव में, ये सब उसी का खाना बनता होगा सब्जी? हाँ, सब्जी तो हम तो बाहर से खरीदी हुई नहीं, जो लोकल अपने ही है। गांव में जाते थे, गांव में लोग अब तो बाजार सब्जी के चले गए, जो लोकल होता है उसके अलावा। अब वो पहले वाला नहीं रहा कि खुद की सब्जियां उगा रहे हैं? ना, उगाते तो हैं पर समय नहीं है। आपने बॉटनी नहीं की, आपने पर्यावरण के बारे में ऐसा कुछ पढ़े नहीं, तो आपकी नॉलेज कहाँ से आती है? हमारी नॉलेज तो धीरे धीरे प्रकृति के साथ जो संबंध है, जैसे मैंने बताया ना कि हमने तो बचपन में गाय के साथ जाते थे, तो वो जंगल का, जमीन का, पानी का जो अंतर संबंध है, हमारे यहाँ बैतरणी है एक, उसके ऊपर खेत है, और खेत के बाद ओक फॉरेस्ट है, माने बांझ का जंगल। तो पहले समय ये बताया जाता था कि इस बांझ के जंगल से, के जड़ों से ये पानी निकला हुआ है। अब आज उसी को विज्ञान के साथ जोड़ करके कि बारिश के पानी को वो अपने में जब्त करते हैं, स्पंज करते हैं, फिर धीरे धीरे, और इसके अलावा जो संबंध पानी के साथ उस बांध के जंगल का है वो है। एंड एवरी टाइम आई हर्ड हिम स्पीक, यू हियर इज अ पर्सन हु इज क्वेश्चनिंग, हु इज थिंकिंग, हु इज नॉट समवन यू नो बट फुल ऑफ एरोगेंट बॉम्बास्ट, व्हिच इज व्हाट यू ऑफन फाइंड विद अदर काइंड्स ऑफ कॉन्फिडेंट लीडर्स, यू नो देयर इज नो स्मूथ टॉकिंग and the deep intimate knowledge he has of his locality. I mean, there's a man who's really walked the entire Alaknanda Valley, you know, on foot. So he knows every village, more or less. तो 1956 में सितंबर लास्ट में जयप्रकाश जी आए, बद्रीनाथ तक गए, वो जगह जगह उनकी मीटिंग हुई, पीपलकोट में भी, मैं बुकिंग क्लर्क था, तो वहाँ उनके व्याख्यान को सुनकर के बहुत प्रभावित हुए। जयप्रकाश जी को उन दिनों कहते थे कि युवा हृदय सम्राट जयप्रकाश नारायण। आपके लिए मेरी ओर से में जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई जो सीमा पर जो ये हलचल हो रही है, ये केवल बंदूक
का ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरी रक्षा पंक्ति है वो विचार के साथ और उनको सम्मानपूर्वक रोजगार अपने ही उसमें। शुरुआत में तो 1960 में मल्ला नागपुर श्रम संविदा समिति बनाई और उसमें ये था कि हर कोई जैसे सड़क बनाने का काम करते थे तो पत्थर तोड़ना, मिट्टी खोदना सड़क बनाने के लिए, और उसमें जैसे मैंने बताया कि जो अध्यक्ष होता था वो भी श्रम करता था, जो सेक्रेटरी और निर्वाह व्यय, माने यदि हमने 10,000 का काम लिया है और हमारी 1,000 की हाजिरी है, मेरी 5 दिन की हाजिरी है, किसी की 10 दिन की, 15, चाहे वो कुशल कारीगर है चाहे अकुशल, सबको हम बराबर, माने 1,000 का 10 में भाग दिया। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही 10,000 का भुगतान होना था, उसमें हमारे एक साथी ने 10 रुपया कैशियर को दे दिया। कैशियर ने कहा कि 10 रुपया मेरा होता, जैसे हमको पता चला तो हम पीपल कोटी में गए और उनसे कहा कि भाई तुम 10 रुपये नहीं दोगे तो हम सत्याग्रह कर देंगे, माने एक तरफ से जो घूस टाइप की थी। तो उसने 10 रुपये वो भी दिया और हमारा जो आने जाने का खर्चा था वो भी लौटाए। तो पहला हमारा इसके प्रति जो सत्याग्रह था। बन जागे, बनवासी जागे, बन जागे, बनवासी जागे, चिपको आंदोलन जिंदाबाद, चिपको आंदोलन जिंदाबाद। ये है, हमने जो पहले कहा कि बन जागे, बनवासी जागे, तो हम गुफाओं में रहने वाले लोग हैं और ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे रक्षक हैं और ये सुंदर जलवायु भी देते हैं। मोटी मूसलधार बारिश होती है, इनके पत्तों में ये फूट फूट करके छोटी कणें धरती पर पड़ते हैं, इसकी जड़ें जो है मिट्टी को थामते हैं, तो ये भूस्खलन को भी रोकने वाली चीज़ है, हमें शुद्ध जलवायु देने वाली चीज़ है। जहाँ जंगल है वहाँ मंगल है। हमारा मानना यह था कि वो जंगल और जंगलों के बीच रहने वाले लोगों के प्रेम पूर्वक अंतर संबंध होना चाहिए। वो जंगल तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसके नज़दीक रहने वाले लोगों का उसके साथ उसके संरक्षण संवर्धन में योगदान हो। तो उसी में हमने विलेज इंडस्ट्रीज, जिसमें लोहारी, बढ़ईगिरी और ये औषधीय पादप, इसके अलावा ऊनी खादी, कच्चा लोहा लेकर के उसी को पीट करके कृषि यंत्र के लिए हम फाला कहते हैं जो हल नासी पर लगता है, या कुदाल इत्यादि ये बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया। तो उसमें वो सारी तकलीफें आई कि जो पॉलिसी थी कि माने वन विभाग ने कह दिया कि साहब आप चीड़ का जुआ बनाइए बैल के कंधे का, तो बैल के कंधे का जुआ यदि चीड़ का बनेगा तो वो तो कंधे को खुरच देगा, वो तो संभव ही नहीं है। तो हमने लोगों से कहा तो लोगों की भावनाएं, लोगों ने कहा ये हमारा तो ये बात सुन करके हमारा बैल भी हंस जाएगा। एक संस्था के लिए लोग जगह जगह से ड्रम्स बजाते हुए कि इस पॉलिसी को मैं बदलाव आना चाहिए और उसमें बन जागे, बनवासी जागे के नाम से। जिसको कहते हैं अपन, वो जैसे पानी खोलने की तैयारी में बुड़ 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 करने लगता, वैसी कुछ आवाज़ें आने लगी थी वहाँ से। 1972 में मैंने उस समय की एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी टाइम्स ऑफ इंडिया से, उसका नाम दिनमान था, उसमें मैंने लिखा था आखिरी लाइन कि जिस दिन हिमालय के इन जंगलों में असंतोष की आग लगेगी उसको राजनीति की दमकल बुझा नहीं पाएंगे।
हमारे यहाँ उस समय गोपेश्वर इतना बड़ा नहीं था, सर्वोदय का एक कमरा था, वो खाली रहता था, तो कोई बाहर से आ जाता था, कोई होटल इतना था नहीं, वहाँ वो लोग टिके हुए थे। मैं कहीं किसी के यहाँ रहा, रात को सुबह आया, मैंने कहा ये लोग कौन है अपने इन साथियों से, इन्होंने कहा कि ये फलानी कंपनी के ठेकेदार हैं, साइमन कंपनी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा बताओ क्या क्या, तो उसने कहा कि कोई साइमन कंपनी है, वो बैडमिंटन और टेनिस का फ्रेम बनाएंगे और वो एस ट्रीज हमारे लिए आमंत्रण भी है और हम पैसा जमा करने के लिए आए और 5-10 दिन बाद जैसे ही ऑर्डर मिलेगा हम पेड़ काटने। यहाँ तो लोगों के लिए जुआ बनाने के लिए लकड़ी के लिए इनकार किया जा रहा है और दूसरी और बैडमिंटन और टेनिस के लिए और हमें वन विज्ञान दिखाया जा रहा है, तो हम पेड़ पर चिपक जाएंगे। चिपका पेड़ों पर अपना कटन दिया, जंगल की संपत्ति अपना लूटन दिया, भाई ये है हमारे पीठ पे तुम कुलाड़ी लगाओ, हम वहाँ पर चिपक जाएंगे पेड़ों पर, हमारी गर्दन पे यहाँ पीठ पे कुलाड़ी लगाओ, लेकिन हम काटें देंगे थे। तो माननीय चन्नी प्रसाद भट्ट जी, उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, 10 गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर के, वहाँ पर पुरुष वर्ग भी, वहाँ पर जा करके सब लोगों ने घेरा घाल दिया, ये जंगल हमारा पीढ़ियों से पाला हुआ है, इसको हम काटने नहीं देंगे। किसी ने कहा कि साइमन वाले जाएंगे तो उनका कुलाड़ा छीन देंगे, किसी ने कहा कि ट्रक आएगा तो उसके आगे लेट जाएंगे, अलग अलग बातें चर्चा होती रही। तो हमने कहा भाई ट्रक के आगे लेटने से पेड़ तो कट जाएगा, तब तो कोई फायदा नहीं, कुलाड़ा छीनने से हिंसा हो जाएगी, तब भी उसमें किसी पर भी चोट लग सकती है, तो तब भी, तो क्योंकि हम एक्शन करना चाह रहे थे ना, उससे पहले तो हमने रैली निकाली, फॉरेस्ट पॉलिसी चेंज कर, लेकिन हमको तो सत्याग्रह का स्वरूप चाहिए था। Sort of combination of struggle and constructive work, which is very Gandhian. You know, Swaraj meant not just freedom from the British, but it meant self-rule. It meant, you know, experimenting with meaningful forms of life, of community behavior. You know, Bhatt was showing how struggle and reform go hand in hand. बहुत ही बुढ़ा पेड़ है ना ये, बहुत इससे बारी की तो बहुत ही ज़्यादा है, ये तो बुढ़ा है ऐसा है, इसको हम कहते हैं। अब इसमें तो हम 1 महीने तक रहे, हमने यहाँ पर तिरपाल ओढ़ा, फिर मन उसके अंदर आए हम सभी लोग, महिला पुरुष, तो हमने कहा जब तक आप लोग यहाँ से नहीं गए हम तब तक ये अपने जंगल कटने नहीं देंगे, हम यहाँ वो करेंगे वृक्षारोपण, उन्हीं के सामने हमने वृक्षारोपण कर दिया, शुरू कर दिया। सुनिए जी साहब, आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आप लोग यहाँ ना रुके होते और वृक्षारोपण ना करा होता तो ये मंडल का जंगल इतना अच्छा रह सकता था? नहीं साहब, वो तो कोई वो नहीं है सवाल, अगर हम ये इसकी रोकथाम नहीं करते, ये पहले इसकी रोकथाम नहीं करते तो ये जंगल ही नहीं रहता आजकल, ये जंगली मने साफ हो जाता, ये तो हमारा जंगल है, हमारा क्या मायका है हमारा, जब वो लोग यहाँ से चलने बैठ के चल गए उसके बाद हमने 1-2 महीने बाद तब यहाँ वो किया वृक्षारोपण, 1 महीने तक हम लोग यहाँ रहे। कल पेड़ काटने आओगे तो हम चिपके मिलेंगे, तो जिसको हमारी संस्कृति में शब्द शक्ति कहते हैं वो भट्ट जी ने अपने भीतर मन से निकाल के दिखाई। 3 अक्षर का इतना छोटा शब्द सिर्फ चिप को खत्म कर दिया उससे उन्होंने। आज ही वाले तू मन पे था तू छो, हमारी लीलामी करी थी।
और फिर ये चिपको इतना व्यापक हुआ कि बाद में मुझे बताया लोगों ने कि न्यूयॉर्क तक पहुंचा। न्यूयॉर्क में भी कोई पेड़ कट रहा है तो कोई कह रहा है हम चिपको चलाएंगे। तो उसने भाषा क्रॉस की, उसने बाउंड्री क्रॉस की, सीमाएं क्रॉस की, उसने नए समाजों को एक, तो ये एक सहज सुलभ तरीका उन्होंने उपलब्ध करा दिया लोगों को। और एक के बाद मन मंडल के बाद फाटारामपुर, फाटारामपुर के बाद रेणी, रेणी के बाद गोपेश्वर का ही जंगल, उसके बाद 77 में वैली ऑफ फ्लावर के निचले भाग में भिवनार, वहाँ तो आंदोलन कर दिया भाई इन्होंने। और वन विभाग वाले हमारे पास आए भिवनार के लिए, कैसा हुआ आपने वहाँ चिपको आंदोलन चला दिया, जबकि हमको पता नहीं था। तो हमने ये नहीं कहा कि हमने नहीं चला, हमने कहा हाँ, और हम सीधे वहाँ पहुँचे। जो इसरो वालों ने 5-7 वाटर सेट के लिए वो किया ना, ये लिखा हुआ है, इसरो ने अध्ययन किया उपग्रह से भी और फील्ड से भी कि क्या चेंजेज आए चिपको मूवमेंट के और पेड़ लगाने के बाद। ग्रीन कवर बढ़ गया, ग्रीन कवर बढ़ गया, लैंडस्लाइड चौप हो गया, ये सब इसमें उन्होंने उपग्रह से, ये साइंटिफिक रिपोर्ट है। Played a key role in motivating people after the 1970 Alaknanda floods. Realized that the root cause of floods were the heavy destruction of the forest and the ill-planned road network in the region. O Bhumi Teri Jai Jakara Myar Himala Farmakut Tero Yhun Jhalako परमकूट तेरो यूं झलको छलकी गल गंगे की धारा म्यार हिमाला हिमाला गल गंगे की धारा म्यार हिमाला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि वो भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। चिपको से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या लर्निंग्स थी? चिपको के लिए ये लर्निंग थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सोचने का तरीका था पहले, हमारा भी तो हमारी ट्रेनिंग में कहीं प्रशिक्षण में कहीं कुछ शायद कमजोरी थी, जो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा था वही हमको पढ़ाया जाता था, वही हमारे दिमाग में घुस गया था। तो कोई भी फॉरेस्ट हो, जो अंग्रेज़ों की फॉरेस्ट्री थी उस समय की, ये थी कि आप फॉरेस्ट को सस्टेंड रूप में हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है और आप रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं, फॉरेस्ट को भी आप रख सकते हैं, सस्टेंड रख सकते हैं। तो चिपको मूवमेंट के बाद ये हुआ मेनली, जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ ये सस्टेंड ईल्ड वाली फॉरेस्ट्री नहीं चलेगी, ये जनता से आया, मतलब चंडी प्रसाद भट्ट जी भी उनमें एक फैक्टर थे, इन गांव वालों से ऐसी बातें आना, ये चिपको मूवमेंट की बड़ी वो थी जिसने फॉरेस्ट पॉलिसी को भी बहुत प्रभावित किया और उसमें चेंजेस लाए। अब तो जैसे सरकार ने पेड़ काटना मना किया है जी, तो आप लोग कैसे काटते हैं? चोर चोर के चोरी चोरी जब उड़ने रहे जंगल का तो हम लकड़ी कैसे जलाएंगे? हैं, गैस कितना महंगा हो गया, कभी गैस ही नहीं आ रही, 5-6 महीने में आता गैस, फिर खाना किस में बनाएंगे, वो करेंगे हैं? जैसा चौकीदार इधर उधर गए तो थोड़ा एक दो लकड़ी वो चीड़ की लकड़ी एक एक देर से लकड़ी काट दिया अपना काम चलाने के लिए ना, अब बाकी क्या जरूरत है, हमारा तो वही वो है लकड़ी, उसी से काम चलना, ये नहीं है कि तुम नीचे से उसको फेंक दो, ये नहीं।
जहाँ हम लोग ने भी रक्षा करा, किसी से कहा कि मत काटो, हैं, तभी तो रहा वो जंगल। काना काना हीरा हरिया छन या गाड़ गझरा मोत्यू भरिया छन यो माल खजान सब हमारत छो हम एक एक पाई को हिसाब लू लो हम ओड़ बारूड़ी हम मेहनत कश। आई थिंक द चिपको आइडियोलॉजी वॉज फर्स्ट हिट बाय द वेरी फैक्ट दैट वेयर इज चिपको स्टूड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द राइट टू डिसाइड. You got a Forest Conservation Act, which was built on centralizing the powers on forest diversion. So you took away the power of local people and transferred it not only from Gopeshwar to Srinagar, but all the way to Delhi. So you actually centralized power because the Forest Conservation Act, which came out of the Chipko movement in some senses, it's always been the soul of the environmental movement, the conscience of the movement. It got translated into simply saying trees must be protected. And since then, every effort that has been made to try and re-establish the fact that it's not the tree, but it's also the livelihood. It's also the control over the decision making. चिपको हक हकूकों का आंदोलन था, चिपको अपने जंगल के और अपने चरागाहों के अधिकारों को लेने का था, लेकिन चिपको में वो हिफाजत भी छिपी हुई थी क्योंकि लोग जानते थे कि ये बचेगा तो हम बचेंगे। चिपको में दो तीन किस्म की टहनियाँ दिखनी शुरू हो गई थी और ये जो अपने कार्यकर्ता थे उनमें भी एक तरीके का लगता है कि अलग अलग किस्म की शाखाएँ होने लगी थी। इसमें एक बराबरी का भाव था जो एक जंगल के अधिकार लोगों को देने का हाथ था कि सबको जिस तरीके से एक ऑक्सीजन या पानी जंगल से लेने का अधिकार है, उसी तरीके से टिम्बर, चारा, जलावन और चीज़ें लेने का अधिकार है। ये वाली बात शुरू में थी, ये सुस्ती का दौर, उसके बाद विभाजन के दौर ने बाद में इकोलॉजी वाले को डोमिनेट कर दिया और बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इकोलॉजी में, हवाई इकोलॉजी में थी, उनकी दिलचस्पी उस समाज में नहीं थी जहाँ से चिपको आया। बट वन ग्रुप ऑफ डेली इंटेलेक्चुअल सेड भगुना इज द रियल गाय एंड ही इज गॉट द रियल विजन एंड द इंस्पिरेशन एंड अनदर ग्रुप ऑफ डेली इंटेलेक्चुअल सेड नो इट्स भट्ट हु इज द रियल गाय एंड देन दे बिकेम अ टफ वॉर बिगैन विच लेड टू अ रिफ्ट बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स अ रिफ्ट विद इन द वाइडर
social workers community of Uttarakhand, and that was, I think, extremely unfortunate. And that probably cost, you know, the kind of consolidated efforts of the movement were dissipated in, and Delhi intellectuals then, you know, wanted to get their pound of flesh, and they wanted to legitimize themselves by latching on either to Bhatt or to Bahugana. You know, and that happened in the 1980s, and I think that created a lot of bad blood and was extremely unfortunate. तो इतने देर के बाद ये मुझे जो लग रहा है कि जो भी आपसे बातें हुई कि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं आपने स्टार्ट जरूर किया और आप इसको पूरा आगे तक लेके भी गए, बट इसका क्रेडिट काफ़ी लोग ले जा रहे हैं, ले गए कहीं ना कहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं पीपुल्स मूवमेंट की परिभाषा ही यही है कि हर आदमी कहे कि मैंने चलाया। एक दूसरी, जहाँ तक लाभ लेने की बात है, यदि किसी ने उसमें काम नहीं किया, क्रेडिट ले जा रहा है, तो मुझे विश्वास है कि उसको अंदर से कष्ट जरूर हो रहा हो, क्योंकि जो झूठ पर जो परत रहती है ना, वो एक न एक दिन स्पष्ट हो जाती है। और उसका कष्ट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मुझे कष्ट होता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मेरा तो यह है कि सब चले जो भी कहें, लेकिन आंदोलन बढ़ना चाहिए। जो मैंने पहले कहा कि काम ऊपर हो, प्रचार जमीन में हो, तब तो आनंद आता है हमको, हमारी जो वृत्ति है। लेकिन हम देखते हैं कि काम जमीन में कहीं एक आध दिन का होगा और प्रचार आसमान में होगा, तो एक उस आदमी को अंदर से बहुत कष्ट होता है। कौन कौन है इसमें एक बार बता दीजिए। ये तो भोपाल सिंह नेगी जी हैं जी। हमारे जो पर्यावरण संवर्धन शिविर होते हैं जी, और उससे पहले से ही आप 1968 से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आज आप देखेंगे ना, जगह जगह लोगों ने जो वृक्षारोपण किया हुआ है उसके आगे, तो उसके मुख्य कार्यकर्ता ये अपाल सिंह जी हैं। वो वन पर्यावरण संवर्धन शिविर के अलावा पहले तो ग्राम उद्योग जो होता है उसको चलाते थे। इसी प्रकार ये तोताराम जी हैं, ये पहले गोपेश्वर में रहते थे, ये लाल, तो 25-30 साल हो गए इनको भी, और मुख्य रूप से बिरोजा, तारपीन तेल, और फिर ये पौधशाला इत्यादि में काम कर। जो लोग भट्ट जी की भी चर्चा करते हैं, भट्ट जी की जो टीम थी उसकी चर्चा बहुत कम होती है। वो टीम ऐसे बिछे हुए लोगों की थी, ऐसे डाउन टू अर्थ लोगों की थी, उनमें से कुछ अभी बचे हुए हैं, उनकी कभी चर्चा ही नहीं होती थी। और कैसे उन बहुत ही मामूली लोगों ने कैसे ये सिद्ध किया कि वो कितने असाधारण हैं। आप मुरारी लाल जी से मिले होंगे, उनके चेहरे में आप 60 साल के जन आंदोलन का इतिहास पढ़ सकते हैं, और एक आंदोलन किस तरीके से एक व्यक्ति को, एक उसके परिवार को, उसकी कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। यानी कि हम जो यहाँ सवर्णों के घर में पैदा हुए, हम लोगों को दलितों के साथ खाने नहीं दिया जाता था बचपन में। चिपको आंदोलन ने हमें पहली बार सिखाया कि तुम मूलतः आदमी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं है, तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए को दलित के घर में पैदा हो। पहली बार चिपको में हम लोगों ने साथ खाना खाया। तो हिज रोल वॉज क्रिटिकल, बट अगेन यू नो इट्स लाइक द पीपल वर रेडी, दे वर एक्टिव, ही हैड सम वेरी गुड को वर्कर्स, ही वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर, बट इट वेंट वेल बियॉन्ड हिम। इन दैट सेंस ही इज राइट दैट इट वॉज अ कलेक्टिव अटेम्प्ट टू असर्ट फॉरेस्ट राइट्स, बट he gave it a certain vision. One was that the protest would be non-violent. A second was that the role of women is very important. And the third, which I've already discussed, is that it's not simply enough to oppose. You have to show alternatives. And you have to, the future is something you will craft yourself. So if the state is promoting destructive practices, you must promote, you know, life-enhancing practices. हमारे यहाँ तो महिलाएं 18 किलोमीटर दूर जाती है टिटरी, और सुबह 5 बजे उठ करके जाती है और बासी रोटी रखती है, और जब जंगल जाते हैं वहाँ से घास के बोझ चमोली में लाते हैं 8 बजे रात को, यहाँ से पुरुष वर्ग जाता है उसके 2 हिस्सा करके 9 बजे रात घर पहुँचती है। बच्चों के, छोटे बच्चों के चारपाई पे पैर बांध देते कि बाहर ना आए, गिरे नहीं। ये ऐसे कठिन तपस्या करके महिलाओं ने चारापत्ती का काम भार किया। तो मैंने कहा भर जी एक दिन हमारे यहाँ आ करके और मीटिंग करेंगे, महिलाओं को क्या दिशा निर्देशन देना है। आइए भर जी, हमने मीटिंग की है गांव में,
तो भटजी ने कहा तुम्हारे यहाँ कोई जंगल है तो वो सामने दिखाई दे रहा पहले एक प्लॉट, बल उसमें कांटों की बाड़ करके वहाँ देखो तो सही, 6 महीने उसको बंद करो वहाँ क्या निकलता है। बस हमने जून में ये बंद किया और दिसंबर में जब खोला तो 60 परिवार थे उस समय पपड़ा में, तो 5-5 दिन का तो सूखा घास निकला और 3-3 दिन का हरा घास पत्ती और 2-2 दिन की लकड़ी मिली। अब महिलाओं को चस्का लग गया कि अरे इतना घास हमारे यहाँ, हम कितने गंदे बाहर जा रहे हैं, तब ये जंगल बंद किया हमने। चिपको जब पेड़ लगाता है तो 70% जो उसके पेड़ हैं वो बच जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब लगाता है तो 20% से 50% तक ही पनप पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि वो पेड़ कोई दसोलिया और चन्नी प्रसाद नहीं लगाता, हम तो उस गांव के लिए वातावरण बनाते हैं और ये कहते हैं कि ये इलाका नंगा वृक्षहीन है, इसके कारण आपके यहाँ सॉइल इरोजन होगा। यदि आप पेड़ लगाएंगे, पेड़ के लिए पत्थर की दीवार बनाएंगे तो फोडर उगाएगा तो आपको चारा भी नज़दीक मिलेगा, तो लोगों की आत्मीयता रहेगी। और वन विभाग में घर अभी तो कुछ तब्दीली हुई है, लेकिन उस ज़माने में ठेकेदारी पत्थर थे, मैंने ठेकेदार को दे दिया इधर पेड़ लगाओ और किस प्रकार का पेड़ लगाना है ये भी कोई वो नहीं था, वो भी वही तय करते। यहाँ तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल गांव वालों को पूछती है और उसमें भी महिलाओं को, तो महिलाओं के और युवाओं के हिस्सेदारी के कारण चिपको को एक तो पार्टिसिपेटरी मूवमेंट बनने का मौका मिला, नंबर एक। नंबर दो, जो इकोलॉजी का और इकोनॉमी के एक जॉइंट फ्रंट का जो मैसेज है वह इसके माध्यम से नई पीढ़ी में गया और वो समझने लगे कि जंगलों का केंद्रीय रोल क्या है। रोकने तबाही चले चले, रोकने तबाही चले चले, लेके खैर खाही चले चले, लेके खैर खाही चले चले, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारते, लेके दिल के बलबले, जय जगत पुकारते, जय जगत पुकारते, लेके दिल के बलबले, रोकने तबाही चले चले, रोकने तबाही चले चले, शांति के सिपाही चले, क्रांति के सिपाही। अब जो महिला मंगल दल का कार्यकारिणी महासचिव है हाथ खड़ा कर, और जो कृषक समूह का जो सिवी हाथ खड़ा कर, तुम लोग बोली नहीं कर सकते, सब एक बात से योग तीनों समझौते हैं, 3 बार ताली बजाए जो, पहले तो वो चूल्हे से बाहर नहीं आते थे, बोलने में भी संकोच आती थी और हमने जबरदस्ती, जैसे मीटिंग हुई है 150 बहनें बैठी, अनिवार्य रूप से हमारा सुबह का शाम का सत्र परिचय में होता था और उसको बोलना ही पड़ता था, वो खड़ा उठती थी कहती थी मुझे शर्म लग रही है, हमने कहा तुम ये कह रही है कि मुझे शर्म लग रही है, अपने नाम क्यों नहीं बताते और किस गांव की है अलग अलग, तो इस प्रकार से उनको वो किया, वो मायका जैसे मानते हैं इन कैंपों को कि हम अपने मायके आ रहे हैं। आप जिस हिसाब से हम देखते हैं आपको, हम लोगों से जुड़ा हुआ देखते हैं ज़्यादा, अगर हुड हुड में जैसे हुआ आप वहाँ पहुँच गए, कहीं अर्थक्वेक हो गई आप वहाँ पहुँच गए, हम आपको कभी एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस जैसे कोपेनहेगन हो गई, हेग हो गई, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, वहाँ हम आपको क्यों नहीं देखते हैं? वहाँ हमारी आवश्यकता भी नहीं है, वहाँ तो मैंने एक दो शुरुआत में ना जैसे न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में उन्होंने 2-3 जगह पैनल लिस्ट भी बनाया था, पर हमने देखा वहाँ दौड़ भाग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन ऐसे सम्मेलन में चाहे कोपेनहेगन, वहाँ पहले से दिमाग बना रहता है,
पूरा पश्चिम विकसित, बिल्कुल गरीब और विकासशील, ये सारे में बटे रहते हैं और उनके अपने अपने एक विचार है, वो तो थोपे जाते हैं, माने सर्वमान्य उस प्रकार से निकलते नहीं, चाहे जंगल से संबंधित हो, चाहे पानी के संबंधित हो। आप समझ लीजिए कि कृषि के ही मामले में या जंगल के मामले में हम विश्व मंच में क्या कहते हैं, ये अलग सवाल है, लेकिन जब हम अपने ही देश के अंदर आते हैं तो जो जंगलों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं वहाँ तो जैसे विकसित देश विकासशील देशों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही हम वही व्यवहार हम अपने लोगों के साथ करते हैं। आई थिंक चिपको वॉज द मूवमेंट विच शुक द सोल ऑफ इंडिया, विच ब्रॉट अबाउट कॉन्शियसनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज इन द 80s इन इंडिया, ऑन द फैक्ट दैट वी नीडेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, दैट एनवायरमेंट वॉज नॉट अ मैटर दैट वी कुड वेट टिल वी वर रिच, बट इट वॉज नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड इवन वेन वी वर पुअर। दैट अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम चिपको, okay, because otherwise it had been argued even by people like Indira Gandhi, you know, that poverty is the greatest polluter, essentially arguing that, you know, first let's get rich, then we'll worry about environment. The Brazilian delegation to the Stockholm Environment Conference had said, you know, smoke is the sign of progress. It's the kind of thing that you would hear today. Uttarakhand disaster that happened was an opportunity. I mean, it was a devastation. It was a human tragedy. But it was also an opportunity to draw the linkages between the patterns of development and what is happening to the Himalayas and the fact that it's making it more vulnerable. And that linkage is what Bhatji has talked about or has stood for. ये तो इंदिरा जी को जो हमने पहला पहला पत्र लिखा था ना, ये पहाड़ वालों ने किताब में छापी थी। ये आपको कैसे एक आइडिया हो गया था कि ये डैम में कुछ होने वाला है? फिर मैंने और बारीकी से अध्ययन किया, वैली ऑफ फ्लावर का भी, उसका भी, फिर जब वो पूरा कि यहाँ किस प्रकार के पेड़ हैं, पहाड़ों की स्थिति क्या है, जो पुराने अनुभव के आधार पर ना जो नदियाँ बौखला रही हैं उनके बारे में, जो कि इस बार 2013 में उसने पूरा वो सारे पत्र में वो सारी बातें लिख कर एक तो नोट बनाया और दूसरा फिर इंदिरा जी को ये पत्र लिखा। खलीफा भी वी हैव विड्रॉ अ प्रोजेक्ट 1983 जनवरी में इनने विड्रॉ कर लिया, इसको 83 में विड्रॉ करके 2000 में फिर 20 साल बाद वो बीजेपी की सरकार आई, कल्याण सिंह, और उन्होंने तब तो उत्तर प्रदेश सरकार बना रही थी, उन्होंने जेपी को प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। और जहाँ ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे बिजली के, उन प्रोजेक्टों के कारण जैसे ऊपर से ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर टूटने के बाद जो पानी आया उतना ही पानी आता तो इतना नुकसान नहीं होता, बीच में नदी में प्रोजेक्ट बने थे और प्रोजेक्ट बनने के कारण उस पानी ने वो पानी वहाँ रुका, फिर धक्का दे करके वहाँ लेक बनी और उसने वो तोड़ा, और फिर आगे भी एक और प्रोजेक्ट था। इस प्रकार से जो तबाही हुई ना, तो इसको सरकार और वैज्ञानिक अभी तक उभारने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि सबको ये होता है कि डेवलप हम कह रहे हैं डेवलपमेंट ज़रूर होना चाहिए, बिजली हमारे लिए भी चाहिए, लेकिन जो सस्टेन हो। देखिए, समाज में सरकारें हैं, प्लानिंग है, बिजली की ज़रूरत है, क्या क्या नहीं है, लेकिन कितना बर्बाद करके क्या लाभ मिलेगा, इसको जो कहते हैं वो नापने का तराजू अगर नहीं है तो सबको लगेगा कि बांध बनने ही चाहिए। विष्णुप्रयाग के समय में भट्ट जी ने विरोध किया,
बहुत शायद आपको किसी ने इतनी काम कर रहे हैं किसी ने बताया, बिजली सत्याग्रह किया। सुना आपने बिजली सत्याग्रह? गांधी जी ने नमक बनाया तो हम अपनी बिजली बनाएंगे। आज की परिस्थिति में सरकार बिजली बनाने की छूट देती है। उस समय डीएम ने लिखा कि तुम कैसे बिजली बना सकते हो, हम जब्त कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो टरबाइन लगाई। अब सरकार कहती है कि अच्छा हम वही तो टरबाइन लगा रहे हैं जगह जगह, लेकिन हज़ारों लगा रहे हैं और उसमें गांव का हक हकूक नहीं है। कोई प्राइवेट कंपनी लगाएगी, बिजली बेचेगी, तो ये सब जो ट्रेन चले हैं इनका नुकसान तो उस इलाके को हो गई और भटजी निश्चित ही इससे बहुत चिंतित होंगे। ये क्या चीज़ है जो आप दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे? ये टनल है? टनल है भाई, टनल बन गई। तो मेन टनल नदी कहाँ से आएगी? मेन टनल तो सब अंदर से आएगी, जो मेन केस है वो अंदर थोड़ा सा आगे जाके अंदर से आएगा। और कहाँ निकलेगी ये? तो सीधे सेलंग निकलेगी आपको जाके। 7 किलोमीटर? हाँ 7 किलोमीटर। तो एक बार अगर आप पानी अंदर से ले जाएंगे तो ये जो नदी है इसका क्या होगा? तो जोशी मठ सब में पानी का फिर कहाँ से आएगा? फिर सब ये तो जगह जगह से अब इन लोगों को सोचना पड़ेगा ना, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट और ये हो गया अभी, तो इसी से तो बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। किसान बिना पानी मर जाएगा, उसको सिंचाई चाहिए, उसको इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको गांव में सड़क चाहिए, गांव के गरीब को रहने के लिए घर चाहिए। और आप ऐसा कानून बनाए हो, आप भाजपा वाले भी साथ में थे, कि जिसके कारण हमारा भला नहीं हो रहा। ये हिंदुस्तान की सभी सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों ने कही बात में बता रहा हूं। क्या ये देश जो फेडरल कॉपरेशन की बात करता है, फेडरलिज्म की बात करता है, क्या हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हमारे राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बात को सुने नहीं? ये तो सब जेपी का है, जाता है यहाँ से सीधा मेरठ वगैरह, पता नहीं कहाँ जाता है, वहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ ये उत्तराखंड के लिए होगा, कुछ यूपी के लिए है, फिर दिल्ली के लिए होगा। ये 400 मेगावाट बिजली जो भी है, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है वैसे, लाइट वाइट का हम तो पूरा बिल देते हैं। पहले तो हम विरोध कर सकते थे, अब ये तो जमीन सारी एक्वायर की हमसे गवर्नमेंट ने की, फिर ये जेपी को लीज भी दिया, तो उस समय हमने तो किया नहीं। फिर उन्होंने हमसे तो ज़बरदस्ती छीना ना गवर्नमेंट ने। खेती का तो सर यहाँ पे बरसात वगैरह उसी से डिपेंड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नालियाँ वगैरह खेत में, क्योंकि यहाँ पे ठंड तो काफ़ी रहती है, उससे मॉइस्चराइजिंग काफ़ी नमी रहती है ज़मीन में, उससे हो जाता है प्रॉब्लम, पानी की उतनी नहीं पड़ती। पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, जैसे आज डैम बन चुका है, तो अगर कभी कोई घर मतलब एक्सपायर हो जाता है फैमिली में या कोई, तो सबसे पहले कॉल वहाँ करना पड़ता है जेपी में, मतलब घाट पे जाने से पहले, कि जेपी वालों को कि भाई पानी छोड़ दो, क्योंकि दाह संस्कार करना है उसको, बॉडी को नदी में वो करना है। अभी तो बहुत हद हो गई ना, लोगों की सुनी नहीं जाती। कई बातें ऐसी हैं कि अब वो मूल बात यह है कि लोग उठें, जो भुक्तभोगी है, और कई मामले में जो कारक है, जब तक वो आगे नहीं आते हैं तब तक कोई भी आंदोलन केवल नेता लोग करेंगे या पार्टियां करेंगी, तो मैं समझता हूँ वो मंजिल तक नहीं पहुँचेगा। मंजिल तक वही कार्यक्रम पहुँच सकता है, जो भुक्तभोगी लोग हैं वो आगे आए, तो मूलतः यही होना चाहिए। ये जो जब वन कटान होता था ना, तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट सिस्टम नदी के द्वारा पूरी भागी रहती है, अलकनंदा भरी रहती थी ये सारी नदियाँ, और इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता था।
लेकिन आपके बहुत हिम्मत है कि आपने इनको पूरा आंदोलन करने दिया। पूरा हाथ कट, घास घूस काटने में ही पूरे हाथ घूस कट कुट गए मेरे। यहाँ मेहनत बहुत करते हैं, यहाँ जितनी औरतें मेहनत बहुत करते हैं। आप लोग की फिर शादी कैसे हुई, कहाँ मिले आप? मिले नहीं, माने अरेंज शादी हुई। इनके चाचा ने और मेरे चाचा ने, हम तो नहीं चाहते थे, और वो दोनों तेज थे, तेज थे, तो उस समय दबाव के कारण, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, उन्होंने देखा एक पढ़ा लिखा लड़का है, उस दिन अध्यापक रहा, कुछ दिन हाई स्कूल, उस जमाने में हाई स्कूल इंटर तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ी तो दोनों की माँ की भी स्वीकृति और इनकी भी स्वीकृति ली, भले हमने ये कहा कि भाई यदि हम मर भी जाएं तो तब भी तो तुमने अपना काम चला नहीं। अभी वो नहीं, इसकी दादी नहीं रहती तो मैं कभी नहीं रहती थी। इसकी दादी की वजह से रहे, अब बुढ़िया रो रही थी, हमें लड़का कहाँ गया, भग गया। तो मैं 6 महीने जब बनारस में रहा, साधना केंद्र था सर्व सेवा संघ का ना, सर्वोदय का, तो मैं तो वहाँ स्वाध्याय के लिए गया शांति सेना विद्यालय में 1960 दिसंबर। तो यहाँ किसी ने ये कह दिया कि वो दूसरी शादी, वो किसी के बहकावे में चले गया दूसरी शादी, किसी ने कहा कि वो सन्यासी बन गया, तो इनके ऊपर इस प्रकार का दबाव था। जब मैं घर आया तो एक हफ्ते तक तो ये कोई बोले ही नहीं, तो इतने क्रोध में थे। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद। ये दूसरे ग्रुप हैं वो कह रहे हैं दिसंबर में भी आना। इस उम्र में आपके पास एनर्जी कहाँ से आ जाती है? वो जैसे शाम को तो मैं थक जाता हूँ, सुबह को फिर सोच करके कि ये लोगों का काम है, इसलिए वो लोगों से अंतर्मन से इच्छा शक्ति चाहिए। असल में मूल बात तो यदि दबाव वाला कार्यक्रम हो तो वो बोझिला लगता है, जो सब प्रेरित जिसमें ये रहता है कि वास्तव में हमको जाना चाहिए, तो उसमें ये सब बाधाएं हट जाती है। सब तो कार्यक्रम तो बहुत आते होंगे, आपके पास निमंत्रण भी बहुत आते होंगे। और तो आते, मैं तो जो जिसमें मैं देखता हूँ कि मुझे जो शिक्षा ग्रहण वाला इलाका है या जहाँ से मुझे कुछ प्राप्त हो सकता तो वहाँ तो मैं जा सकता हूँ, माने शैक्षणिक दृष्टि से, समझ बढ़ाने की दृष्टि से, या मेरी राय से किसी को हमारे अनुभवों का लाभ लोगों को हो सकता है तो वहाँ मैं जाता हूँ। बाकी आजकल तो निमंत्रण बहुत आते हैं, मैं नम्रतापूर्वक टाल देता हूँ। कौन सी वो वाली पहाड़ी पे चढ़ गया? ये तो सामान्य है, ऊपर जहाँ बर्फ पड़ी है। ये आपकी बात तो छोड़ो, आप तो हमसे यहाँ आने में 10 बार सोचना पड़ता पर उस समय। बट अभी भी देख रहा था ऊपर तो आप चढ़ी गए थे एकदम ऊपर तक। ये जो चोटियाँ है ना, ये कई बार क्रॉस की हमने, जो ये पार वाली। The Indian environmental movement really starts with CIPCO. Without CIPCO, you would not have the Narmada Andolan and many other movements. What impact it's had on government policy has been erratic, episodic. There have been some changes in our forest policy, but not fast enough. So the effort, I think you can't judge what impact your work has or your struggle has. I mean, you do what you think is your duty. And I think Chandni Prasad Bhatt has led a life of exemplary courage, dignity, commitment, and patriotism. I mean, he's really what
an Indian should be all about. I mean, he's one of the most admirable Indians now living. You know, if other Indians haven't heeded his message, that's their loss, and that's the country's loss.